75 सालों तक हम लोग यही समझते रहे कि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं। जैसे जैसे इनके नकाब उतरते जा रहे हैं, ऐसे इनकी कौम के सामने असलियत आ रही है कि पाकिस्तानी अवाम इन जर्नैलों के सामने सिर्फ और सिर्फ पेड़ बकरियां हैं। ये पाकिस्तानी अवाम डिवीजन के खिलाफ जो राय रखते हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। इस वक्त सोशल मीडिया पर मेजर जनरल काशिफ की वीडियो का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें मसूफ फरमा रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन में हमारी मदद करें, अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो साथ में अवाम को भी ठोकेंगे। मेजर जनरल काशिफ की तकरीर ने अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि जिनको लगता है कि सिर्फ एक जनरल जिस्मानी तनाजा और जहनी बीमारी का शिकार है, इन लोगों को अब मुकम्मल तौर पर ठंड पड़ चुकी होगी। गुजारिश है कि चंद दिन के लिए कौम को तमाम अफसरान की तकरीरें सुनाई जाएं। आप जरा मेजर जनरल काशिफ का ये क्लिप सुनिए। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। इनमें से एक एक को चुन चुन के मारना है। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं सपोर्ट होगी तो भी मारूंगा, तो भी मारूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर। ये लोग बस ताकतवरों के नीचे लेटते हैं और कमजोरों को धमकियां लगाते हैं। इन नारों और नफरत का जिम्मेदार कौन है? कौम या जर्नल? मरियम मकबूल जान ने अपने ट्वीट में लिखा, जब से ये अजियतनाक माहौल खुलेगा तो लोग 71 की कहानियों को भूल जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शरीफ आदमी का पुलिस घुसी, इज्जतदार की इज्जत पर पहली बार हाथ डाला गया, पहली बार सियासत में आई हवादीन पर हाथ डाला गया, तारीख में पहली बार गलीज तरीन इज्जत केस आया। इनमें से एक एक को चुन चुन के मारना है। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों की इस बारे में क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।